टुनटुन एक्सप्लेनेशन प्रेजेंटिंग डेविल सिस्टर पार्ट 6। नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है वहाँ से जहाँ पे फिफ्थ पार्ट खत्म हुआ था, जहाँ पे छा और आयरिन कैफे से निकलती है तो जीन पूछता है आयरिन से क्या ये उसका अपॉइंटमेंट है। साइड में फिर पॉलीनैम आती है तो उसे इंट्रोड्यूस करती है, फिर चली जाती है। आयरिन और छा एक साथ है, ये बात जिन जाके इनको बता देता है। फिर हॉस्पिटल में आयरिन और छा चला जाता है और सूटकेस पॉली नाम को लेना पड़ता है। इस तरफ नामतान पूछता है वो दोनों एक साथ कैसे, तो छा बोलता है वो कैफे गई थी कॉफी लेने और वहाँ पे आयरिन से मिला है। और आयरिन बोलती है वो नामतान के साथ समय बिताने आया है, तो नामताल बोलती है वो अभी बहुत बिजी है, आयरिन थोड़ा वेट करे, फिर घर जाके पार्टी करेंगे। और इस बात से आयरिन एग्री करती है। फिर पॉलीजैन आती है, नामतान उससे बोलती है पॉलीजैन की डॉग एक्शन अभी ठीक है, उसका टेस्ट भी कंप्लीट हो गया है। और एक नर्स आके पॉलीजैन को उसका डॉग देता है और पॉलीजैन उसे आयरिन पे भौंकने की इशारा करती है। और इस बात से तो आयरिन बहुत गुस्सा हो जाती है और इस तरफ पॉलीजैन डॉग को शाबाशी देती है। नामतान फिर आयरिन को एनिमल के केबिन में लाती है, तो आयरिन पूछती है क्या ये सब एनिमल पेशेंट है, तो तान बोलती है हाँ कुछ कुछ अभी ठीक भी हो गया है। और आयरिन देखती है एक सांप को मरी हुई चूहे खाने के लिए दिया जा रहा है, जो बात आयरिन को बहुत बुरा लगता है। तो छा आके बोलता है ये जंगली जानवर है, ये ऐसे ही खाते हैं, एनिमल एनिमल के ऊपर ही भरोसा करके जीते हैं। और उसे भी फीडिंग करने के लिए बोलता है तो आयरिन बोलती है उसे ये बात पसंद नहीं है, किसी को मार के खिलाना, क्योंकि उसे पता है मरने से क्या क्या होता है। और उसके मम्मी पापा की एक्सीडेंट भी याद आ जाता है और इस बात के लिए छा को समझ आ जाता है, तो वो सॉरी भी बोलता है। उसे नहीं लगा था कि आयरिन ऐसा सोच लेगी और उसे पीछे से हक कर लेता है और बोलता है रोने के समय किसी का साथ दुख को कम करता है। और इस वक्त पे नामतान आती है तो आयरिन छा को धक्का दे देती है। फिर नामतान आके पूछती है छा नीचे बैठ के क्या कर रहा है, तो छा बोलता है वो चिड़िया को खाना डाल रहा था। तो फिर नामतान घर चलने बोलती है क्योंकि उसका सारा काम खत्म हो गया है। घर आने के बाद तान छा से पूछती है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो छा बोलता है वो उन दोनों को ड्राइव करके लेके आया है और इतना सामान भी तो उठाया है, और कुछ सवाल पूछने से मना करता है। फिर ड्रिंक करते करते सब लोग टल्ली हो जाते हैं, तो तान बोलती है अगर कोई इस वक्त पे प्यार में है तो ड्रिंक करे, तो छा अकेले ड्रिंक करता है। तो तान छा से बोलती है इस बारे में तो तूने मुझे पहले नहीं बताया, छा फिर गेम को कंटिन्यू करने के लिए बोलती है। फिर आयरिन बोलती है जिसका दिल टूटा है वो ड्रिंक करे, तो फिर छा और आयरिन ड्रिंक करती है साथ में तान भी। फिर छा पूछता है यहाँ पे जो प्यार में है या किसी पे क्रश है तो वो ड्रिंक करे, तो फिर आयरिन ड्रिंक करती है। फिर तान पूछती है यहाँ पर जो भी अपने रिलेटिव के अंदर प्यार में है वो ड्रिंक करे, तो नाम छा और आयरिन दोनों ही ड्रिंक करते हैं। तो तान बोलती है तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो। इस बात को लेके तान को सख्त तो होता है, लेकिन वो वॉशरूम चली जाती है। फिर आयरिन उठने की कोशिश करती है तो वो गिर जाती है और छा आके उसे पकड़ लेता है। छा आयरिन को लेके उसके घर में बेड पे लिटाती है तो आयरिन छा को क्यूट बोल के किस कर लेता है और छा बोलता है किसी और के साथ तुम ड्रिंक मत करना। फिर सुबह इन आयरिन के पास आती है और पूछती है तुम कॉन्डो नहीं गई, और आयरिन से बोलती है उसे और छा को मिलाने के लिए हेल्प करने को, क्योंकि वो छा को पसंद करता है। फिर इनकी बात सुन के आयरिन छा को डिनर पे बुलाती है और हम देखते हैं ये बातें बोलने के लिए जिन ने इनको कहा था। तो फिर जिन इनसे बोलता है वो आयरिन से शादी करेगा तो इनका रास्ता साफ हो जाएगा और इस काम के लिए इन और जिन को एक साथ होना पड़ेगा, और दोनों हाथ मिलाते हैं। और इस तरफ आयरिन के सर में हैंगओवर पेन हो रहा था,
तो वो दवाई लेती है और वो याद करने की कोशिश करती है कि कल रात क्या हुआ था। तो उसे याद आता है उसने बहुत बड़ा कांड कर दिया है और अपने सर पटकने लगता है। फिर छा मैसेज करता है वो डिनर के लिए वेट करेगा। इस तरफ हॉस्पिटल में एक डॉग पेशेंट आता है जो प्रेग्नेंट थी और जिसे बर्थ कंट्रोल दवाई भी खिलाया गया था, इसलिए उसका बच पाना नामुमकिन था। फिर नामचा अपने डैड को बोलकर ऑपरेशन करता है मगर डॉग बच नहीं पाता है। तो छा बहुत रोता है और डैड आके उसे समझाने लगता है वो बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन था। बाद में अच्छा करने के लिए और फोकस करने के लिए बोलता है। इस तरफ कंपनी में स्टाफ लोग आयरिन की बारे में बुरा बुरा बोल रही थी, तो जिन आके सब लोगों को डांट लगाता है और अच्छे से समझाता है और उन सबको अपने अपने काम अच्छे से करने के लिए बोलता है। और ये सब देख के आयरिन थोड़ा सा इम्प्रेसिव लगता है। मुझे तो लगता है ये जिन आयरिन को दिखाने के लिए ऐसा बोल रही था। किस किस को ऐसा लगता है मुझे कमेंट में बताना। फिर आयरिन से बोलता है वो एक साथ जाएगा और जिन उसके लिए वेट करेगा। फिर सिन शिफ्ट होता है छापे। वो तो आयरिन के लिए इंतजार में बैठा था लेकिन आयरिन की जगह आती है इन और इन बोलती है आयरिन बिजी है इसलिए उसने मुझे भेजा। और फिर टेबल में रखे व्हाइट फूल को लेने जाती है तो छा बोलता है वो उसके लिए नहीं है तो उसे टच मत करे। फिर इन छा से कहती है आयरिन जिन के साथ है, वैसे भी वो दोनों तो शादी करने वाले हैं तो वेडिंग की तैयारी कर रही होगी। ग्रैंडपा के बात को आयरिन टाल नहीं सकती और छा घर जाते समय फ्लावर को डस्टबिन में डाल देता है। और पीछे से इन बोलती है अगर उसे फेंकना ही था तो इनको वो क्यों नहीं दिया। तो छा बोलता है इनको वही चीज़ें क्यों पसंद जो चीज़ उसे कभी नहीं मिलेगा, इससे उसे तकलीफ ज़्यादा होगा। तो इन बोलती है क्योंकि उसे वो चीज़ पसंद है। और छा के चले जाने पर इन फ्लावर को ले लेती है। फिर आयरिन आती है जिन के साथ और जिन उसे खाने के लिए कुछ देता है अगर उसे भूख लगे तो वो खा ले। और आयरिन जब रूम पर आ रही थी तो छा उसे रोक लेता है और वो डिनर में क्यों नहीं आया ये पूछता है। आयरिन टायर्ड है बोल के जाने लगती है तो छा उसे उसके साथ बात करने बोलता है। तो आयरिन बोलती है वो बच्चों जैसा कर रहा है, वो दोनों डेटिंग नहीं कर रहे हैं, अगर उसे किसी का ख्याल रखना है तो वो इनका रखे। बट छा बोलता है वो किसी का ख्याल रखना नहीं चाहता है। तो आयरिन बोलती है उसे कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं चाहिए और छा को पीछा करने को मना करता है और घर में आ जाता है और अंदर आके रोती है। और यहीं पर ही हमारा 6th पार्ट ख़त्म होता है। जल्दी लौटूंगी नेक्स्ट पार्ट लेके। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हेल्दी। बाय बाय।